तो हेलो हीरोज, वेलकम टू अनदर गेम की वीडियो। तो गाइस आज हम खेलने जा रहे हैं बीच स्केरी, जिसमें गाइस एक खतरनाक सी चुड़ैल रहती है, जिससे भाई मुझे सरवाइव करके कुछ भी करके मुझे निकलना है। तो लेट्स गो गाइस, मैं इस गेम को खेलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हूँ। तो लेट्स गो गाइस, गेम को चलते हैं, स्टार्ट करते हैं भाई बिना किसी देरी के। ओके गाइस, गेम हो चुका है अपना। भाई पहले स्टार्ट का बटन मैं दबा दूँ, ये फॉर्मेलिटी है गाइस, जो कि भाई ये पेज क्या ही आ रहा है भाई। तो ऑलराइट हीरोस, गेम हो चुका है अपना स्टार्ट, और स्टार्टिंग में ही मुझे मिल चुका है एक स्लिंग शॉट, जो कि गाइस आई डोंट नो इसका यूज़ क्या आने वाला है, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पता है ये क्या है। बट एक सेकेंड गाइस, मुझे वहाँ पे की दिख रही है और आई थिंक ये पैड की ही होनी चाहिए। तो लेट्स गो गाइस, लगा के देखते हैं ये। भाई जहाँ तक है मुझे तो यही लगे। ओके गाइस, तो ये पैडलॉक की ही थी, जो कि मैंने गेट कर लिया है ओपन। और स्केरी मतलब कि स्केरी विच अभी तो नहीं आ रही है, बट गाइस मैंने साउंड अगर किया तो, जैसा कि हर हॉरर गेम में होता है, अगर मैं साउंड करूँगा तो फंस जाऊँ। ये क्या है अजीब सा भाई, एक सेकंड, ये मुझे बुला रहा है क्या, हाथ मिलाने के लिए बुला रहा है क्या? अबे ओ भाई, चाट मार रहा है, इससे भाई दूर रहो, इससे दूर रहो, ये भाई छूते ही चाटे मार रहा है, मैं इससे बोलूं क्या? तो हाँ गाइस, मुझे मतलब कि 5 हैंड वाला चाहिए हाथ। हाँ मतलब कि नॉर्मली सबके 5 हैंड ही होते हैं, मतलब कि 5 फिंगर वाले चाहिए। तो भाई वो आई डोंट नो मुझे कहाँ मिलेगा, मतलब कि वहाँ पे जैसा लिखा था मैं वैसा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ गाइस। तो ये क्लॉक में पहली बात तो एक इसकी वही नहीं है भाई, सुई काटा जो भी बोलते हैं वही नहीं है इसमें। तो भाई इसको भी मुझे आई थिंक ढूंढना पड़ेगा। बट गाइस ये नया कमरा दिख रहा है भाई, पहले यहाँ चलते हैं ना। ओके गाइस, यहाँ पे भी वो चुड़ैल नहीं है, और जब आ गई ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। यहाँ पे भी मुझे ये प्लेस करना पड़ेगा। तो लेट्स गो गाइस, चलो चलते हैं भाई बिना किसी देरी के। अबे भाई ये खतरनाक सा सॉक्स क्या कर रहा है भाई, कितने सालों से तो पहली बार तो इसे धुला नहीं है। और आई थिंक गाइस, अच्छा ये हाथ या इसके मुंह में गाइस, ये जो ये राक्षस के मुंह में, आई डोंट नो गाइस इसको मैं हाथ को कैसे छुड़ाऊंगा भाई, मुझे नहीं पता है। बट गाइस ये जो गेट है इसको तो मैं खोल ही सकता हूँ, क्योंकि गाइस इसे स्मेल करके ये खुलता है। तो मैंने सॉक्स लगा दिया और ये ऑब्वियसली बात है खुल ही जाएगा। बट गाइस आई थिंक यहाँ पे मुझे कुछ काम की चीज़ें मिल सकती थी, जो कि नहीं मिली है। ओके गाइस, तो ये प्लैंक हटाने के लिए मुझे कुछ चाहिए, आई डोंट नो क्या हो सकता है, वो क्रोबार भी हो सकता है। बट गाइस मैं ऊपर वाले फ्लोर पे जा रहा हूँ, क्योंकि नीचे वाले फ्लोर पे तो मुझे इतना कुछ इंपॉर्टेंट मिला नहीं। बट एक सेकेंड भाई, ये स्नेक क्या, एक सेकेंड, मैं उसे टच कर रहा हूँ, उसने मुझे भाई काटा नहीं, बस यही अच्छी बात है, और वरना तो मैटर गंभीर हो जाता। तो ओके गाइस, मुझे ये पेपर सा मिल चुका है, जो कि ये मुझे मतलब कि एक्सप्लेन कर रहा है कि ये 2 बॉल हैं, एक बॉल को मतलब कि ज़मीन के अंदर डालने से आई थिंक ऐसा लग रहा है उससे मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, मतलब कि कहीं भी मैं टेलीपोर्ट हो सकता हूँ, जहाँ तक का ये मुझे पेपर बता रहा है। आई डोंट नो ये बॉल मुझे 2 कहाँ मिलेंगे, मतलब कि बेसिकली ये 2 मैग्नेट जैसे काम करते हैं, एक बॉल को जहाँ फेंकोगे दूसरा बॉल भी टेलीपोर्ट करके हमें वहीं भेजेगा, जहाँ तक मुझे इस पेपर में लिखा था और मुझे समझ आया है। तो आई डोंट नो वो बॉल मुझे कहाँ मिलने वाली है। अबे भाई ये उस राक्षस के पैर है ना, मतलब कि सर उस साइड है, पैर इस साइड है, आई डोंट नो गाइस यहाँ पे क्या ही हो रहा है। बट एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि गाइस वो बॉल मुझे मिल चुकी है, और बॉल के साथ साथ गाइस प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि भाई बीच भी आ चुकी है। तो मैं डायरेक्टली जाने वाला हूँ ऊपर वाले फ्लोर पर बिना किसी देरी के भाई, क्योंकि मुझे नहीं बीच से भाई पिटना है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्केरी, मैंने भाई फर्स्ट टाइम अभी देख लिया ना, मुझे बहुत ज़्यादा स्केरी लग रही है वो, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे वो छोड़ने वाली है। अगर मैं मिल गया उसे तो भाई कच्चा चबा डालेगी, तो मुझे उसके डिनर बनने का कोई शौक नहीं है गाइस। बट इस बॉल को भी मुझे नीचे मतलब कि छोड़ के आना पड़ेगा, तभी तो मैं टेलीपोर्ट होके कहीं पे भी ट्रैवल कर पाऊंगा।
तो लेट्स गो गाइस, चलो चलते हैं, बट संभल के चलते हैं ना, दिक्कत थोड़ी ना है, बस दिक्कत यही है कि संभल के चलते हैं वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके गाइस, आई थिंक ये बॉल को मुझे यहीं पे ड्रॉप करना है जहाँ तक का मुझे लग रहा है। हो गया अपना काम तो हो गया, बट गाइस अभी मुझे एक बॉल और चाहिए जो मुझे टेलीपोर्ट होके कहीं पे भी जगह पे ट्रैवल करा सके। तो लेट्स गो गाइस, देखते हैं कि कहाँ मिलने वाली ये बॉल। बट गाइस प्रॉब्लम ये है कि चुड़ैल मेरे ठीक पीछे है और मैं कोई भी गड़बड़ किया तो भाई डिनर पक्का बनने वाला हूँ। तो लेट्स गो गाइस, इस गेट को मैंने आराम से खोल दिया चुड़ैल को बिना पता चल ले। बट एक सेकेंड गाइस, ये हो गया सोने पे सुहागा, क्योंकि गाइस मुझे क्रोबार भी मिल चुका है और मुझे बॉल भी मिल चुका है। बट गाइस क्रोबार तो ये मुझे पता है, लेकिन इस बॉल को कैसे यूज करते हैं ये भी मुझे पता है गाइस, ये क्योंकि पेपर में ट्यूटोरियल भाई पूरा दिख रहा था। अब भाई ये स्क्रीन को अप डाउन करना है और लेट्स गो गाइस, मैं टेलीपोर्ट हो चुका हूँ। बट गाइस ये आई थिंक अनोन सा रूम है भाई, इसमें तो कुछ है ही नहीं, बस हड्डियों को छोड़ के भाई। अबे इस चुड़ैल ने पूरी कलेक्शन कर रखी है भाई हड्डियों की, मतलब कि इतनी सारी हड्डी रखता कौन है, इतनी सारी बोन भाई, मुझे नहीं पता ये चुड़ैल क्या ही आइटम है भाई, मतलब कि क्या ही अलग ही, मतलब कि मत सोचना भाई क्या ही लोल है भाई ये। ओके गाइस, तो मुझे ये स्टिक मिल चुका है। ओ ऑल राइट गाइस, मैं समझ चुका हूँ, क्योंकि गाइस वो जो स्नैक था ना, स्नैक को मुझे मतलब कि इस मैजिक स्टिक से मुझे बनाना है एक रॉप। हाँ गाइस एक रॉप बनाना है, अब वो आई डोंट नो कैसे बनने वाला है, क्योंकि उसके अंदर एक बटन जैसा कुछ था ना गाइस, और वो बटन जैसा उस अपने मेन गेट पे लगने वाला है। अब मुझे समझ आ गया, क्योंकि जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा है मेन गेट पे लगने वाला है। तो लेट्स गो चलते हैं फिर और क्या। बट गाइस चुड़ैल मुझे लग रहा है कि वो मैंने शोर कर दिया, तो वो आ ही रही होगी, एक बार ट्राई करने में कोई नहीं जा रहा। लेकिन गाइस क्रोबार लेके चलते हैं ना, मेहनत तो अपनी फुल की हमने, चौड़ में चलेंगे बिल्कुल, मेहनत करके आया भाई, कोई दिक्कत थोड़ी ना, मैं इतनी मेहनत से क्रोबार लेके आया हूँ और तू नहीं आ रही, ठीक है ना चुड़ैल, तू नहीं आ रही मेरे पीछे, अगर तू आ रही तो फिर देख लियो फिर तू। ऑलराइट गाइस, वो नहीं आ रही, इतनी ज़्यादा मैं ओवर एक्टिंग आई डोंट नो पता नहीं क्यों कर रहा हूँ। 50 रुपये मत काटना बस हो गया, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, 50 रुपये मत काट लेना बस हो गया, क्योंकि पहले ही मिलते 150 रुपये हैं, 50 रुपये काट के क्या ही करोगे गाइस। ओके बकवास ख़त्म हुई, हो चुकी है, इस क्रोबार को मैं आराम से रखता हूँ और लेट्स गो गाइस, इस क्लॉक में से निकलने वाला क्रो। बट गाइस जहाँ तक मैं कह रहा था प्रॉब्लम वही है कि इसमें इस क्लॉक में एक कांटा और लगेगा और वो मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है, आई डोंट नो गाइस पता नहीं कहाँ मिलने वाला है, तो रिक्स तो लेना ही पड़ेगा, बट देख लेते हैं भाई। वो अबे वो कागज मैंने कहाँ फेंक दिया, ले पूरा भाई प्रॉब्लम तो यहीं से स्टार्ट हो गई ना, चुड़ैल नहीं आ रही ना तू भाई, ये तो आधे ज्यादा टाइम मुझे चुड़ैल को ही मतलब कि लग रहा है, डर लग रहा है कि वो कहीं से ना आ जाए बिन बुलाए दावत में, और आ गई ना गाइस तो प्रॉब्लम बस जस्ट वहीं से स्टार्ट होने वाली है, और मैं भी उसे बीच बीच में चैलेंज कर रहा हूँ कि आ तू भाई आ, डर नहीं लगता बस तुझे, वही अलग की बात है कि गेम मुझे दोबारा से खेलना पड़ेगा, बट डर तो खत्म हो गया भाई इसे देख के ही। बट चलो भाई देखते हैं कि कहाँ पे आ गया ये, मैं भाई बहुत ढूंढा ढानी करने के बाद में इस रूम में दोबारा आ चुका हूँ। और एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये गाइस जो मैं कह रहा था ये एक बटन जैसा है, इसमें आई डोंट नो इसमें रन्स लिखा है, बट ये देखो गाइस ये ना मेन गेट में लगेगा, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, जब मैं इस गेट के अंदर जा रहा था ना तब मैंने नोटिस किया, ये देखो गाइस ये जो पैटर्न बने हुए ना इस बटन पे, मतलब कि सर्कल से जो भी चीज़ है आई डोंट नो पता नहीं क्या है, तो उस मुझे पैटर्न को सही जगह पे प्लेस करना है, उसके वजह से वो गेट खुल जाएगा। और मैं आई थिंक जहाँ तक है मैटर यही है साइज में, तो मुझे कांटा ढूंढना है, तो लेट्स गो गाइस मैं कांटा ढूंढने वाला हूँ। ये
ये भी तो एक काटा ही है ना गाइस, मतलब कि है तो चम्मच ही लेकिन हम तो इसे काटा ही बोलते हैं ना, तो हो सकता है भाई ये लग जाए, आई डोंट नो, पता नहीं, कंफर्म नहीं हूँ लेकिन एक बार देखते हैं ना गाइस पक्का। ओ भाई लग गया, अबे यार कुछ भी हो रहा है, मतलब कि काटा है तो ये काटा इसमें लग गया, अब कुछ कुछ भी मतलब कि। तो ओके गाइस मैंने पेपर में से देख के, अबे भाई ये क्रो आ गया, इसने साउंड कर दिया, इसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी भाई। चल भाई तू, मैं पहले छुप जा रहा हूँ, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। तो हाँ गाइस मैं कह रहा था वो पेपर ही देख के मैंने वो सेट कर दिया था, और भाई अचानक से क्रोबार निकल, वो क्रोबार कह रहा हूँ, क्या ही कह रहा हूँ, मतलब कि अचानक से क्रो निकला ना, तो भाई मैं तो पूरा डर गया कि अबे भाई क्या ही है ये, बट वो चुड़ैल ना आ जाए। तो ओके गाइस मुझे यहाँ से एक फेदर मिला है और इस फेदर को नीचे ले जाना है, और नीचे ले जाके वो जो राक्षस के पैर है मुझे वहां पे गुदगुदी करना है। हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, बट गाइस चुड़ैल फिन आ गई है, अब फिन मुझे भागना पड़ेगा भाई, प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हो जाती है ना, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। अगर ये रूम नहीं होता तो भाई मैं छुप के जाता कहाँ, क्योंकि मैं हर बार तो यहीं छुप रहा हूँ, छुपना पड़ता है भाई। वो ऐसी है ना, वो दिखती छोटी है लेकिन इतनी जल्दी आती है ना फास्ट कि क्या ही मैं आप लोग को बताऊँ। हाँ तो गाइस मैं कह रहा था ये जो फेदर है इसको उस राक्षस के पैर में मुझे गुदगुदी सी करनी है। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा गाइस, मैं सही बोल रहा हूँ, उसे गुदगुदी करनी है, और उसके बाद उसने वो जो मुंह में वो जो हैंड फंसा रखा है ना गाइस, वो मतलब कि एक सेकेंड मैं जाऊँ ना यहाँ पे, मुझे इसे गुदगुदी करनी है भाई, देख लो मैं तुम्हारे लिए मतलब कि मैं रिस्क ले रहा हूँ पूरा, ठीक है ना। चलो गाइस लाइक कर देना, बस हो गया, बस लाइक कर देना, और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारे लिए पूरा दिखे भाई। लो एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, पकड़ ली। अबे भाई मुझे लग नहीं रहा था यार वो पीछे मुड़ के देखेगी, मतलब कि ओके गाइस मैं उसे पीछा छुड़ा के फिर आ चुका हूँ उसी लोकेशन पे, बट गाइस इस बार वो नहीं है तो मैं आराम से कर सकता हूँ इसे। ऑलराइट हीरोस, तो मतलब कि हो चुकी है इसे गुदगुदी, और इसने वो हैंड जो है अपने मुंह में अटका रखा था वो उसने फ्री कर दिया है। तो लेट्स गो गाइस, चलो उसे उठाते हैं, और उठाने के बाद वो जो सड़ा सा हाथ है जिसने भाई मुझे स्टार्टिंग में 4 थप्पड़ मारे, मैं अभी तक नहीं भूला हूँ उसको, उससे भाई तो मैं बदला लूंगा, बट इसमें गन वन नहीं होती है शायद में। अबे भाई अबे क्या हो रहा है ये, मतलब कि मैंने हैंड उठाया उसके वजह से भाई शोर हुआ, और 2 सेकंड गाइस 2 सेकंड की देरी और मैं मरने वाला था, पक्का ही मैं मरने वाला था, मैं क्या बताऊं मैं। बे यार अबे तू ये हैंड, तू पागल है क्या, तुझे मैंने उठाया, तेरा क्या फर्ज बनता है, तू नॉर्मली उठना चाहिए, ये नहीं कि तू शोर करेगा तो फिर पता लग जाएगा उसे, फिर मेरी प्रॉब्लम वहां स्टार्ट होगी, क्या ही मैं बताऊं भाई। मुझे लगा कि ये नॉर्मली हैंड है ना, तो मुझे लगा कि मैं इसे बस उठाऊंगा, उठा के लेके चल दूंगा, बट गाइस इसने जो साउंड किया है ना, मरते मरते बचाऊं मैं। ओके ये ले, अब चाटे मत मार दियो, मैं कसम से मैंने गेम को क्विक कर देना। ओके लेट्स गो गाइस, तो मुझे यहाँ पे ये सीडी सा मिल चुका है, इसे वायलिन या पता नहीं क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या, मैं इसे कैसेट बोलने वाला हूँ सीधी बात। और इसको मुझे हाँ याद आ गया, याद आ गया, जो गाइस मैं पहली बार रूम में गया था ना, तो मैंने कहा था ना यहाँ पे कुछ प्लेस होगा लगने वाला है, तो मुझे लग रहा है ये यहीं पे लगेगा। अब भाई जल्दी जल्दी चलते हैं, क्योंकि भाई साउंड हो चुका है, और साउंड होने के बाद चुड़ैल आएगी, और आने के बाद कुछ क्या होगा देखते हैं गाइस, वेट करते हैं। एक सेकेंड चुड़ैल आई। अबे भाई ये रो रही है, और मुझे यहाँ से भाई ऐसे जा, ये क्या क्या ये हाथ से, हाथ से क्या बता रहा भाई, ऐसा ही करना है क्या मुझे, ये बता रहा तो ऐसा ही होगा। अबे क्या है, हो गया प्रॉब्लम क्रिएट फिन होने वाली है। अबे क्या ये मुर्गा से मुझे बनाना सिखा रहा है, चल बे चल हट,
इसके वजह से प्रॉब्लम अलग क्रिएट हो जाएगी और मैं कट अलग सा जाऊंगा। अबे वो चुड़ैल का मुझे सीन नहीं समझ आया, मैंने म्यूजिक प्ले किया तो अगला बंदा डांस करता है, मूवमेंट करता है, वो भाई रोने लगी। अबे तू फालतू बोल रहा था ना, रुक जा तुझे अभी रस्सी बनाता हूँ बेटा, रुक जा। ओके गाइस, रस्सी बना चुका है भाई मैंने, मतलब ये पहली बार मुझे ऐसा फील हो रहा है ना गाइस कि एक मैं मैजिशियन सा हूँ, अजीब सा मेरे हाथ में कोई पावर आ गई है ऐसा लग रहा है। देखो गाइस अब पक्का 150 मिलते हैं, और 150 ही मत काट लेना ओवर एक्टिंग के, बट गाइस हाँ फील आया तो मैंने बता दिया और क्या, उससे ज़्यादा क्या ही। बट गाइस अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ, मेरा बदला तब पूरा होगा, इसे पहले लगाता हूँ, जब मुझे भाई उस चुड़ैल के हाथ, मतलब कि उसके उसने एक लॉकेट में ये जो जैसे बटन जैसे ना गाइस, उसको थर्ड लॉकेट को इसने अपने गले में उसे भाई लगा रखा है। अब वो कैसे मिलेगा ये तो मुझे नहीं पता, बट गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि यही जो स्टिक है इसी से कुछ ना कुछ तो होने वाला है। तो ये मैजिक बुक है, और इस मैजिक बुक को भाई मैं ढूंढते ढूंढते आ गया हूँ। चुड़ैल से पीछा छुड़ा के मैं आ ही रहा था कि मेरी ध्यान वहाँ पे पड़ा मेरा, तो मैं ये मैजिक बुक भाई लेके चलता हूँ। और हाँ एक ब्रेकिंग न्यूज और है गाइस, चुड़ैल मेरे पीछे ही है, दौड़ते दौड़ते आ रही है। तो ये मैजिक बुक में भाई देखते हैं, मतलब कि इस पेज में देखते हैं क्या ही है। ओके गाइस मैं तो सही पैटर्न तो डाल रहा था, उंगली से तो ये यही तो बताने वाला था, वो बता रहा था मैं सही पैटर्न डाल रहा था भाई। ओके चुड़ैल आ चुकी है, देखो जो मैं कह रहा था गले से। अबे ये फुस्सी क्यों निकल रहा है, तू पागल है क्या, दिवाली पटाखा थोड़ी ना तुझे ऐसा फुस्सी निकलना है तू। ओ भाई क्या मैं क्या बोलूँ, मैं इसके आगे कोई बोल ही नहीं रहा हूँ। क्या मैंने चुड़ैल को मजा चखाया ना भाई, 1 घंटे तक तो वो होश में नहीं आने वाली है। और ये भाई मुझे बटन भी मिल चुका है, उसके गले में ही था भाई, लॉकेट बना रखा था बटन का, मोगली है भाई क्या ही बताऊँ मैं। ओके लेट्स गो गाइस, मैंने कर दिया स्किप कर दिया ना। ओके ऑल राइट गाइस, मैंने कर दिया इस गेम को स्किप। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको बस ज़्यादा कुछ नहीं करना गाइस, एक प्यारा सा सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा उसे प्रेस कर दो, और बेल को ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर देना। और हाँ गाइस नीचे एक लाइक का बटन है उसे भी भाई दबा दो। तो ओके हीरोस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून नेक्स्ट वीडियो गाइस।